सलाम अलैकुम। दुनिया के शायद सारे गम भर जाने हैं, लेकिन शायद एक गम कभी नहीं भरना, और उस गम का नाम है अरशद शरीफ। जितना हम पाकिस्तानी इस गम को भुलाने की कोशिश करते हैं, ये गम किसी ना किसी फॉर्म में दोबारा हमारे सामने आता है। और इस दफ़ा ये गम जिस फॉर्म में आया है, उसने इतनी तकलीफ़ दी है कि आंखों से शायद गम के आंसू बाहर आ गए हैं। और हकीकत टीवी आपको जो सुनवाने जा रहा है, ये पाकिस्तान के लीडिंग एंकर कामरान शाहिद की तहकीक है, और उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उन्होंने इसमें अरशद शरीफ की तस्वीर दिखाई है। और ये इतनी दर्दनाक है, हम आपको तस्वीर नहीं दिखा सकते माजरत, लेकिन उन्होंने बताया है कि किस तरह अरशद शरीफ पर 3 घंटे जुल्म होता रहा। वो बंदा चीखता रहा, वो बंदा रोता रहा, उसके नाखून खींचे गए, उसकी हड्डियां तोड़ी गई, रिब्स तोड़े गए, उसकी उंगलियां तोड़ी गई, उंगलियों में फ्रैक्चर हो गया, उसको पीछे से गोलियां मारी गई। याद कीजिए, हकीकत टीवी ने आपको कहा था अरशद शरीफ को उसकी सीट के पीछे से गोलियां मारी गई हैं। उसकी वजह यह है कि सीट इन्होंने दिखाई नहीं। ये कामरान शाहिद की आप जरा गुफ्तगु सुनिए, और उसके बाद अल्लाह से उस शख्स की मगफिरत के लिए दुआ करें। कामरान शाहिद ने कहा कि वहाँ ब्लैक वाटर के लोग थे, और इससे क्लियर हो रहा है कि इस खेल के पीछे अब अमेरिका का हाथ निकला है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो रिजीम चेंज के बारे में क्या गुफ्तगू करता था। अब ये हमारे इंटेलिजेंस इदारों का काम है कि वो फिर इस साजिश को बेनकाब करें। तो इस सूरत हाल में कामरान शाहिद ने क्या इंकशाफात किए, दिल थाम के सुनिएगा, और अल्लाह से उस शख्स की मगफिरत की दुआ कीजिए जो अब इस दुनिया में अरशद शरीफ नहीं रहा। शाम से जब से ये इन्फॉर्मेशन जो है मेरे सामने आई, और ये वो इन्फॉर्मेशन है अरशद शरीफ साहब के मर्डर के हवाले से जो इससे पहले मंजर आम पे नहीं आई, पहली दफ़ा आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पहली दफ़ा कोई भी आपको ये बताने लगा है। कई दफ़ा होता है जब खबर आपको बता रहे होते हैं तो बड़ी उसकी एक्साइटमेंट होती है कि एक बहुत बड़ी आप खबर कोई ब्रेक करने जा रहे हैं, लेकिन यकीन करें ये एक खबर है, लेकिन इसमें जितना अफसोस मुझे और दुख मुझे ज़ाती तौर पर इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने में, वो मैं आपको अल्फाज से शायद बयान ही नहीं कर सकता जो डिटेल्स आपको मैं अभी बताने लगा हूँ। और कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि इंसान जो है जब तक वो ज़िंदा होता है, वो ज़िंदा होता है, उससे आप बड़ी तवक्कोआत वाबस्ता करते हैं। वो एक इंसान, एक जिस तरह इलामा इकबाल का इंसान था, खुदी का कॉन्सेप्ट, सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट, वो क्या कुछ कर जाता है, नहीं कर जाता। जब वो इस दुनिया चला जाता है तो कई दफ़ा वो सिर्फ एक खबर का हिस्सा बन जाता है, सिर्फ एक खबर जैसे होती है। ये एक ऐसी ट्रेजडी है जो सब ने फेस करनी है, लेकिन जो अरशद शरीफ साहब की कत्ल, बहीमाना कत्ल, नाहक खून जो बहा, उसके मुतालिक जो हकायक मैं आज आपको बताने लगा हूँ, वो बहुत दिल खराश हैं और वो बहुत सैड हैं। आपने ये तो अभी सुना होगा, अभी तक जो मामलात आपके सामने आए हैं, रिपोर्ट्स में देख रहा था, वो रिपोर्ट्स भी सही होंगी कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ जो थे, वो कत्ल की शब जो थे, वो कीनिया के शूटिंग रेंज पर मौजूद थे। वहाँ पे गुफाम हाउस था, उन्होंने स्टे भी किया वहाँ पे। 10 अमेरिकन इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद थे जो वहाँ पे शूटिंग रेंज करते हैं। और 22 और 23 अक्टूबर को कीनिया हुकूमत ने बताया, ज़राए से ख़बर दी कि उन्होंने रात को वहाँ डिनर भी किया अमेरिकन इंस्ट्रक्टर के साथ, अरशद साहब ने, और उनके साथ वो खुरम जो बंदा है वो मौजूद था जो उनको गाड़ी में आगे ले कर चला, और वो 8 बजे लेके चला, और उसने जो रास्ता अपनाया वो रास्ता भी बड़ा ऑकवर्ड और ऑड सा रास्ता था। शूटिंग रेंज वाली सड़क इस्तेमाल वैसे वो किया करते, लेकिन खुरम ने 23 अक्टूबर को आम रास्ते के बजाय तवील रास्ता इख्तियार किया जो कि मकावी हाईवे है, और ये रास्ता दूर होने के बावजूद इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ तक तो हम सबको पता है, लेकिन जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये तकलीफ दे है। अरशद शरीफ साहब जो हैं, उनके मतलब पहले ये खबर आई कि जी कीनिया में मिस आइडेंटिटी का केस है कि गलती से वो एक नाका कर रहे थे, उन्होंने नाका लगाया हुआ था कीनिया की पुलिस ने, और वो उसको क्रॉस कर रहे थे, तो उस वक़्त वो रुके नहीं नाके से, खुरम साहब जो गाड़ी साथ चला रहे थे वो रुके नहीं, तो फायर हुआ और अरशद शरीफ साहब जो है खूने नाहक भाव उनका वो कत्ल हो गए इस फायरिंग के अंदर। लेकिन जो हकायक हमारे सामने आए हैं ज़राए से, वो बहुत अफसोसनाक हैं। अरशद शरीफ साहब जो हैं, उनको कत्ल करने से पहले टॉर्चर किया गया, ये मैं आपको नई तफसीलात जो हमें ज़राए से मिली हैं वो बता रहा हूँ। अरशद शरीफ साहब को मिस्ड आइडेंटिटी का केस बिल्कुल नहीं है, ये पुलिस झूठ बोल रही है कीनिया की। उनको टॉर्चर किया गया, टॉर्चर कोई 15-20 मिनट नहीं, उनको टॉर्चर
कमोबेश कोई 3 घंटे का प्रोसेस है जिसमें उनको टॉर्चर किया गया। अर्शद शरीफ साहब को क्लोज रेंज से पीछे कमर में उनको गोली मारी गई, उनको टॉर्चर किया गया और उसके अंदर उनकी जो रिब्स हैं उनको तोड़ा गया। अर्शद शरीफ साहब की जो 3 उंगलियां उनके नाखून उतारे गए। अर्शद शरीफ साहब की 2 उंगलियां जो है उनको फ्रैक्चर किया गया। उन पर इतना टॉर्चर किया गया, 3 घंटे तक टॉर्चर होता रहा। और ये जो शख्स उनके साथ बैठा हुआ है खुरम, मुबैना तौर पर इसको हर सूरत में अकाउंट करना चाहिए क्योंकि ये मुबैना तौर पर इस तमाम टॉर्चर का गवाह है। मैं अभी ये भी नहीं कहता कि वो इस टॉर्चर का हिस्सा है, ये टॉर्चर उसने करवाया, लेकिन जो एक फुटेज आई है जराए से उसमें चलता है पता कि वो फायरिंग रेंज से बड़े हंसी खुशी जो है वो अर्शद शरीफ साहब इस खुरम नामी शख्स के साथ उस गाड़ी में बैठ के निकले उस रस्ते पे जो उनकी मौत का रास्ता था। और 3 घंटे टॉर्चर हुआ। मैं आपको अब कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने लगा हूं जो ऑब्वियसली बच्चों को देखने की तो नहीं है, लेकिन अब मसला ये होता है कि जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हकायक की तरफ जा रहे होते हैं, बड़ी तकलीफ दे। जैसे आपको मैंने बताया कि आज जब मैंने ये तस्वीर देखी, ये मुबैना तस्वीर अर्शद शरीफ साहब के टॉर्चर को साबित करती हुई तस्वीर, तो मेरी तो खैर तबीयत तभी से बहुत बोझल है और आपकी भी होगी जिसमें भी इंसानियत है। जो अर्शद शरीफ जैसा शख्स, यानी कि मैं उनको ज़ाती तौर पे भी इस तरह जानता हूँ कि एक अपराइट जर्नलिस्ट थे, एक नडर बेबाक सहाफ़ी, मतलब आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं उनके उनके आइडियाज़ के ऊपर, आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं उनके आइडियोलॉजी को, आप ये नहीं कह सकते कि ही वॉज अ परचेस्ड पर्सन, वो कोई लिफाफा जर्नलिस्ट था या वो किसी के जाती एजेंडे पे, वो जहां खड़ा होता था वो वहीं खड़ा होता था। उस शख्स को पाकिस्तान से जिस तरह जिन हालात में वो गया और जिस तरह उनका कत्ल हुआ, और सबसे तकलीफदेह बात जो आज आपको ऐसे मैं बता रहा हूं, टॉर्चर किया गया 3 घंटे उन पर टॉर्चर किया गया। इससे बड़ी प्लैंड, वेल प्लैंड, बल्कि वर्स प्लैंड मर्डर मैं तो कहूंगा उनकी तरफ से जिन लोगों ने कत्ल किया है, ये एक वेल प्लैंड मर्डर था। तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये मुबैना तस्वीर है और मैं चाहूंगा हुकूमत इसकी आज तरदीद करे क्योंकि हुकूमत के पास ये तस्वीर मौजूद है। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ इधर पेम्स हॉस्पिटल में गालबन, तो उस वक्त ये तस्वीर हुकूमत की नज़र में, हुकूमत से मुतालबा है, ये तस्वीर अभी दिखाने से पहले मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि उनके पोस्टमार्टम को जो है वो जारी किया जाए और उनकी वालदा जो है वो जानना चाहती है उनके बेटे के साथ क्या हुआ, वो जारी किया जाए। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ मुबैना तौर पर वर्स्ट तशद्दुद हुआ अर्शद शरीफ साहब पर। तस्वीर आप दिखाइए पहली, ये तस्वीर जो है ये पहली दफ़ा हम आपको दिखा रहे हैं जो आज हमें मिली है अर्शद शरीफ साहब की। अगर हम दिखा सकें ये क्लोज बॉडी बुलेट आप देख सकते हैं, ये कोई मिस आइडेंटिफिकेशन का केस नहीं है, ये उनके सर के नीचे पुश्त के ऊपर क्लोज रेंज से, अगर आप उसका गोली बुलेट का निशान देखें जो ब्लैक पड़ा हुआ है, जितना बड़ा वो निशान है, ये क्लोज बुलेट का निशान है जिससे उनको मारा गया, उनको रोक के, उनको उतार के, उनको प्रॉपर टॉर्चर किया गया। जो मेरे पास इतलात है मुबीना तौर पे 2.5 से 3 घंटे में तशद्दुद किया गया। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए, आपको उसमें पता चलेगा किस वर्ष तशद्दुद से पाकिस्तान का एक इतना अहम सपूत जो है वो गुजरा है। और नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए, ये आप देखिए उनके हाथ, उनकी कलाई आप देख रहे हैं, इसके ऊपर टॉर्चर, ये जो उनका हाथ के ऊपर का हिस्सा है, कील का निशान है या जो भी निशान है, उन पर वर्ष टॉर्चर किया है। कीनिया की पुलिस झूठ बोल रही है और आई फेल टू अंडरस्टैंड हुकूमत इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों छुपा रही है। ये अर्शद शरीफ साहब का मुबैना तौर पे वो तस्वीर है जिसके अंदर उनके हाथ के ऊपर जो है, कलाई पे जो है वो टॉर्चर का निशान आप देख सकते हैं। ये उनकी उंगलियां हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उनके नाखून जो है वो उतार दिए गए हैं, उनके नाखून, इसको रखिएगा, ये मैं लोग एक्सप्लेन कर दूं कि ये, यानी कि जिस तरह पुलिस थानों में टॉर्चर होता है, यानी कि ये मिस आइडेंटिटी का तो केस हो ही नहीं सकता। उनको प्रॉपर तरीके से उनके नाखून उतारे गए हैं और नाखून उतार के उनको कत्ल किया गया बहिमाना तौर पर। ये तस्वीर आपके सामने, नेक्स्ट दिखाइए उनकी उंगलियों में फ्रैक्चर के निशानात क्या है, वो ये मतलब मौजूद है, उनकी उंगलियां फ्रैक्चर की गई, उनकी रिब्स को तोड़ा गया, ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है उनकी जिसके अंदर उनकी उंगली जो है उसको फ्रैक्चर किया गया, इतना उन पर बहिमाना तशद्दुद हुआ है। इसका मैं सोचता हूँ तो मैं लरस जाता हूँ, इंसानियत लरस जाती है जिस मुश्किल से, जिस मुश्किलात से वो गुजरे अर्शद शरीफ साहब। ये कोई स्ट्रेट अवे फायरिंग केस नहीं था, ये भी उनकी उंगलियों की तस्वीर है, उनके नाखून उतार दिए गए, उनकी उंगलियों को फ्रैक्चर किया गया, उनके सीने पसलियों को तोड़ा गया, उनको क्लोज रेंज से कत्ल किया गया। और अकल हैरान है कि ये सब कुछ क्यों हुआ।
उनकी कीनिया में ऐसी क्या दुश्मनी थी उनके साथ, ये क्यों किया गया, इनको हटा दीजिए। वहां पर जो मेरे पास इतलात है, यूं की मुबैना तस्वीर है, और हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूं कि या तो इसको एक्सेप्ट करें या इसको रिजेक्ट करें। जो उनकी वालदा ने पटिशन दायर की हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, उसको फौरी तौर पर जो है जारी करना चाहिए। उनकी लवाहकीन को ये पता चलना चाहिए कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, ये उनका हक है। बहुत करबनाक, बहुत ट्रेजिक फैक्ट्स हैं, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, उनको पता चलना चाहिए इस बारे में। वहाँ पर जो इतलात हैं उसके मुताबिक मुबैना तौर पर ब्लैक वाटर जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसके पास ये फायरिंग रेंज का सारा इलाका, ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ, मुबैना तौर पर ब्लैक वाटर के पास ये पूरे इलाके का ठेका था जो $4 लाख के अंदर जो है ये किया गया। और जैसे ही अरशद शरीफ साहब का ये मर्डर हुआ है उसके बाद कंपनी ने ये ठेका जो है अपना मंसूख कर दिया, विड्रॉ कर लिया, अब दोबारा उन्होंने नहीं लिया। वहाँ पर 10 लोग जो अमेरिकन ठहरे हुए थे उनके मतलब भी शुबा है कि वो ब्लैक वाटर के से उनकी वाबस्तगी थी, ये भी एक शुबा है। अब इस सारे मामले के अंदर बेसिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट और कीनिया के ऊपर जितना मैक्सिमम प्रेशर डल सकता है, क्योंकि ये टॉर्चर अगर किया गया, वेल प्लान्ड साजिश की गई, तो ये कीनिया की पुलिस के साथ मिलकर किया गया है। उनकी मर्सनरी टाइप पुलिस है, उनको पैसे देके, दे आर द हायर्ड गन्स, लेकिन ये करने वाला कोई ऐसा दबाव है जो अरशद शरीफ के जरिए के मर्डर के जरिए और इस वर्स्ट तरीके के मर्डर के जरिए कुछ ऐसा हासिल करना चाहता है जो ऑब्वियसली पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं था। अरशद शरीफ को मारने का कीनिया की पुलिस को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कीनिया को तो मतलूब नहीं थे। तो कीनिया की गवर्नमेंट के ऊपर जितना ये गवर्नमेंट प्रेशराइज कर सकती है उतना करना चाहिए। यह अफसोसनाक वाकया जिसकी तफसील आपको मैंने बताई पहली दफा, ये इतना ट्रेजिक है कि इस पर मतलब बात करने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन इस पर बात इसलिए करनी पड़ेगी ताकि हम हकायक तक पहुंचे। अभी भी अरशद शरीफ के कातिल जो है वो रूपोश हैं, वो ना मालूम है, उनके बारे में कुछ नहीं पता। ये भी जो पोस्टमार्टम हुआ है, ये पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उन्होंने इंसिस्ट करके इसको कराया और ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक कराया, और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बाहर आना चाहिए। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद, how it's been described is that there's been one rule for the elite, especially the elite that's connected to power, and another for everybody else. I think I'll leave it at that. Yeah. Accounts were opened in the name of these low-level, low-wage employees who do not come into the tax net. Money used to be deposited in those accounts, and finally they used to land in the accounts of either Mr. Hamza Shehbaz Sharif, Mr. Suleiman Shehbaz Sharif, or Mr. Shehbaz Sharif himself. They said that people used to come with gunmen into the banks.
The first journalist who exposed the huge corruption in the government was killed at the front door of his house. All the five judges declared that Prime Minister Nawaz Sharif is not an honest person. London is the second home of House of Sharif. London and its role in the offshore world is that it's a money launderer's paradise. It's a money launderer's paradise. I think the main issues for developing countries are Western countries. We have a ready-made system where corrupt individuals can hide, can spend, can clean their money. When you look at the laws, I'm talking about the richer countries as a whole, they tend to favor the crooks. Some countries, you know, they say that what is ours, and what is yours is also ours. The world needs to wake up. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। कोशिश ये थी कि मेरी आवाज बंद की जाए, लेकिन आप सबकी मोहब्बत की वजह से मैं आपसे अब भी रास्ते में। बहुत से पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसमें मदद की है कि मेरी आवाज आप तक का पहुंचती रहे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद अरशद शरीफ को सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह।